कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो हीरे के दागिनों का प्रदर्शन लगा है, तो सोसाइटी के सब लोग टप्पू के पापा और मैं देखने के लिए जा रहे हैं। अरे सिर्फ देखना क्या, मन करे तो खरीद भी लेना, थोड़ा खर्चा करवाना। जी बापू जी। बापू जी, सोसाइटी में सब लोग नीचे मेरी राह देख रहे, तो मैं जाऊँ? हाँ, जा जा। जय जिनेन्द्र बाबू। जय जी। कुछ भी कहो, एग्जीबिशन का प्लान मस्त तो बन गया एकदम। बहुत दिनों बाद सब साथ में घूमने जाएंगे। नहीं, ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल असली मजा सबके साथ आता है। और मैंने तो हंस को बोल दिया है, मैं एक भी काउंटर नहीं छोड़ूंगा। देखा, हमारी बीवियां एग्जीबिशन को लेकर बहुत उत्साहित है। मजा आने वाला है वहाँ पे। सही बात है। नमस्कार। लेकिन ये जय डालाल किधर है? ऑलवेज लेट करता है। हाँ, कहाँ दिखा नहीं। कहाँ है, कहाँ अग्निलाल? अग्निलाल? अरे अग्नि मतलब फायर ना, आग। और आप फायर ब्रिगेड, तो आपको मालूम होगा कहाँ है फायर। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सही है तो अग्निलाल ही है। कहाँ भाई, उसे फोन करो ना, हम सबको कुएं में धकेल के खुद लेट हो गया। कुएं में धकेल कर मतलब? हाँ मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें कुएं में धकेल कर कहाँ गायब हो गया है? मतलब? अरे कुएं में ही धकेलाना भाई, भिड़े जेठालाल हम सबको फंसा दिया है। फंसा दिया मतलब कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये इसे फंसना ही कहते ना भाई, हम आग को लेके पेट्रोल की दुकान पे जा रहे हैं। मेहता साहब आप पहले मत पूछाइए, आग पेट्रोल मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, हाँ, सही बात है, समझाइए जरा। वेरी सिंपल भिड़े, आग ही महिला है और पेट्रोल ज्वेलरी। अब हम आग को पेट्रोल के पास लेके जा रहे हैं, आग जब पेट्रोल के नजदीक जाएगा तो भड़केगी आग और झटका हमें लगेगा। तो यार ज्वेलरी एग्जीबिशन, वो भी डायमंड ज्वेलरी, उस एग्जीबिशन में महिलाओं को जरा भी कुछ देके खरीदने की इच्छा हुई तो कान की बालियां अगर खरीदना चाहेंगी ना तो 50-60 हजार, अगर कंगन के ऊपर नजर पड़ गई तो लाख रुपया। हार खरीदने का मन हुआ तो बस बस मेहता साहब समझ गए, हमारी बीवियां भले कितने ही मना कर रही हो, हम सिर्फ देखने जा रही हैं, खरीदेंगे नहीं, लेकिन महिलाएं हैं, आखिर ज्वेलरी देखेंगी तो मन तो ललचाएगा ही ना। मन ललचाए और खरीदने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना कि हमारी इच्छा है खरीदने के लिए कर हमारे पति खरीद नहीं सकते। सही बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी बीवियों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान हमारी रक्षा करना। तिरुपति बालाजी, अरे बबीता को तो ज्वेलरी खरीदना बहुत अच्छा लगता है, अगर जो उसने खरीदने का बोला तो मेरा क्या होगा? होगा क्या, महिलाएं मन में एक ही गाना गाएंगी, हाय हाय ये मजबूरी, ये हीरे और ये दूरी। अच्छा, विलन बन जाएंगे हम उनकी निगाह में। मुझे भी माधव का समझाना पड़ेगा। सोड़ी भाग्यशाली है, बच गया। देखो रोशन भाभी को मैके छोड़ने गया। लकी है सोड़ी, एक्चुअली हमें भी जाना चाहिए था। किधर? रोशन भाभी को मायके छोड़ने के लिए। अरे हुशार, हम क्यों जाएंगे रोशन भाभी को मायके छोड़ने के लिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमें भी कई बहाने से बाहर जाना चाहिए था। सही बात है, मैं तो कहता हूँ दोस्तों अभी भी टाइम है, कोई ना कोई बहाना बना के प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता आती भाई, जाना तो पड़ेगा ही। अरे आ गए दया भाभी, कहाँ रह गए थे आप, कितना इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ, दिल करता है फटाफट उड़ के एग्जीबिशन पहुँच जाए। बराबर, माफ करना, वो मैं जरा फोन पर थी। ओ, टप्पू के पापा का फोन आया था तो थोड़ी देर हो गई, सॉरी। इट्स ओके दया भाभी, यू नो व्हाट, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, आज हम सब पहली बार डायमंड ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। अरे मुझे तो ये सोच के एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं वहाँ पे किस तरह के डिजाइन की ज्वेलरी देखने को मिलेगी। वो ज्वेलरी देखकर तो मेरा दिल थम ही जाएगा। मेरा तो थम गया है। भीड़े बहन, मुझे तो लगता है कि हाथी भाई को साथ में दवाई भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गहने देखकर कहीं हम लोग बेहोश हो गए तो दवा भी होनी चाहिए ना साथ में। बरोबर है, दाम सुन के हम लोग जरूर बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं, स्वादिष्ट खाना देखकर जितना मेरे मुंह में पानी नहीं आता ना, उतना ज्वेलरी देखने के बाद मेरी आंखों में चमक आ जाती है। कोमल भाभी, फिर तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी बिक गई तो हम तो देख भी नहीं पाएंगे। अरे हाँ, चलो चलो, वी गेटिंग लेट। अरे पर जेठालाल को तो आना, तो उसके बिना कैसे जाएंगे। हाँ सही बात, वो कहावत तो याद है ना, इंसान को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो।
चद्दर का क्या सामान, चद्दर थोड़ी खरीदने जा रहे हैं। अरे विनोदी, हम लोग ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वो सिर्फ देखने जा रहे हैं, खरीदने नहीं। बाकी को भले ही खरीदने देना, लेकिन तुम अपने मन में लाना भी नहीं। पता है, याद है, मैं नहीं खरीदूंगी, आप टेंशन मत लो। समझदार पत्नी मिली है मुझे। भेड़ बहन सब ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं, इनको जरा टेंशन हो गया था। मतलब वो कि घर लॉक किया कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं, पंखा बंद किया कि नहीं, ऐसा सगड़ा। ओहो, उसमें क्या टेंशन, चलिए जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी, चलिए चलिए। क्या बात है भाई, पूरी सोसाइटी जमा हुई है, कोई मीटिंग वगैरह है क्या? नहीं, पोपटलाल कोई टेंशन नहीं है, बस हम लोग अपनी बीवियों को डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम बहुत नसीब वाला है कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ। बबीता, मेरे कहने का मतलब है कि पोपटलाल का शादी नहीं हुआ तो वो ज्वेलरी किसी को दिखाएगा? चाहते देखो यार भाई। पोपट भाई, देखिए बात ऐसी है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि वो गहने के एक बेसन में आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको नहीं बताया। हाँ। वैसे पोपटलाल, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो हमारे साथ चलो। वो भिड़े, मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। किस तरह जगह ला माहिती है? अरे भाई, आप लोग जिस ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रहे हो ना, वहाँ से मुझे स्पेशल इन्विटेशन मिला है। ओह अच्छा, VIP पास भेजा उन्होंने। अरे फिर पूछना किस बात का पोपटलाल, हमारे साथ ही चलो, गाड़ी हमने मंगवा रखी है, चलो। अरे अच्छा, चलिए 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 जल्दी, दागिना के ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब चलिए दागिना देखने के लिए जाते हैं जल्दी। हे भगवान, लेडीज तो बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। इनका जोश और खुशी कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। सिक्योरिटी, यस सर। सब मेरी बात कान खोल कर ध्यान से सुनो। आज हमें यहाँ बहुत चौकन्ने रहना है। यहाँ करोड़ों की ज्वेलरी है, करोड़ों की ज्वेलरी देखकर किसी का मन तो ना ललचाए हो, किसी का दिल तो ना धड़को। नो सर। गुड, वेरी गुड। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। यहाँ बड़े सारे लोग आवेंगे, सब पर नजर रखना। यस सर। एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। और एक और बात, सब लोग एकदम अलर्ट रहना, सबकी चेकिंग करना। जो कोई भी आए, चाहे वो मेरा घर वाला हो या मेरा दोस्त। यस सर। यस सर। करोड़ों की ज्वेलरी है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए यहाँ पे चोरी नहीं हो सकती। गुड। और सब CCTV कैमरास ठीक से चल रहे हैं? जी सर, फिर भी हमने कंपनी को कॉल कर दिया है, उनका आदमी आकर सारे CCTV चेक कर लेगा। गुड, वेरी गुड। स्टाफ, यहाँ बड़े बड़े लोग आवेंगे, सबको ज्वेलरी अच्छी तरह दिखाना। और हाँ, ये ध्यान रखना कि कोई भी ज्वेलरी को हाथ न लगाए। गुड, जाओ गेस्ट को अंदर आने दो। ठीक है। अच्छा, ऐसा HJ मतलब हीरालाल ज्वेलरी,
पहले नहीं दिखती, हमारा क्या हाल होगा? इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, फॉरेनर्स भी हैं, भगत लगा नक्की एग्जीबिशन देखने लायक होगा। सही बात है, बिल्कुल देखने लायक होगा। वैसे अंदर खाने पीने का काउंटर तो होगा ही ना? तो कमाल हंस, ये डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन है, खाने का नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे खाते पीते देखने में और मजा आता। टिफिन लाना चाहिए था हमें एक्चुअली। सच को बता रहा, मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो रही है, दिल में धक 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 हो रहा है, न जाने अंदर क्या क्या झूल रही होगी। दिल की धड़कन तो मेरी तेज हो गई है, क्या होगा? क्या सोच रहे? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं सोचता था, अरे दैवा भाई जेठालाल कहाँ रह गए भाई? आ गया, आ गया, मता सब आ गया। अरे हाँ हाँ भाई, जेठालाल दो साल जियो गए जेठालाल। चले चले टपू के पापा, जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। जेठालाल कैसे जा सकते हैं, अभी तो एंट्री शुरू नहीं हुई भाई। सॉरी ये बराबर टाइमिंग है ना, 12 से 6 लिखा है हमारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कुछ देर में स्टार्ट हो रहा है। अब आप सब अंदर आ सकते हैं, प्लीज कम इन एंड एंजॉय द एग्जीबिशन। थैंक यू। आइए माता साहब। भाई चल, हीरालाल भाई तुम्हारे दोस्त है तो तुम थोड़ा आगे चलो, ठीक रहेगा। आगे चलो भाई। अच्छा भाई, आगे मैं रहूंगा, मेरे पास वीआईपी पास है। ठीक है भाई, तुम आगे जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, तुम रहो। आगे सब आगे अपने। बबीता जी, एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट नॉनसेंस, आप उस सिक्योरिटी गेट के अंदर से आइए। मैं इस एग्जीबिशन के मालिक मिस्टर हीरालाल जेवेरी की वाइफ हूँ, समझे? उन्हीं के ऑर्डर्स हैं कि सबको चेक किया जाए, क्योंकि अंदर करोड़ों की ज्वेलरी है। एक मिनट सुनो, वो वीआईपी गेस्ट का ना खास ध्यान रखियो। हाँ हाँ, हेलो जानू। हीरो, यहाँ सिक्योरिटी वालों ने ना मुझे एक एंट्री पे रोका, क्या है ये सब? माई स्वीट डायमंड, रूल इज रूल, तुम्हें तो पता है, हीरो साचो बाकी सब झूठो। हम ही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी वाले अपना काम कैसे करेंगे? हाँ एक काम करो, जैसे वो बोलते हैं वैसा करो प्लीज। ओके, थैंक यू। सुनो, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलिए चलिए। नमस्ते। कुछ नहीं कुछ नहीं। okay. एक मिनट सर, रुकिए सर, आपको ये छाता यहीं छोड़ के जाना होगा। अरे भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, और मेरे पास स्पेशल इनविटेशन है। हाँ वीआईपी पास है भाई उनके पास। देखिए सर, वीआईपी हो या कोई भी हो, रूल इज रूल। हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले कि कोई भी हथियार अंदर नहीं ले जा सकता। अरे भाई ये हथियार नहीं है, ये मेरा साथियार है। साथियार? ओहो। मेरा मतलब है मेरा साथी है, मेरा यार है। देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, आपके छाते को कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जरा संभाल के रखना। आप भाई बाहर रख दीजिए। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसे पीछे खड़ा मत रखिए भाई, आराम से ऐसे टेबल पे सुला दीजिए। और लोरी भी गाना। ओ भिड़े, मैं सुला दो। चलो और संभालेंगे बबरलाल। सर मशीन आवाज कर रहा है, आपको दोबारा आना पड़ेगा। मोबाइल की वजह से हो रहा होगा। जरा आओ। हाँ आ जाइए। फिर से वीप कर रहा है, आपकी जेब खाली करनी पड़ेगी। जेब में कुछ नहीं है भाई। लेकिन सर ये मशीन बीप कर रही है, तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे भाई एक तो ये है, ये क्या है? ये चाबी है। सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो किचन। सर इनके पास चाकू है। ए
अरे भाई चाकू नहीं है, छोटी सी चाकी है। नट्टू काका ने पता नहीं ऐसा किचन क्यों बांध दिया है चाबी में। देखिए जो कुछ भी है, आप ये चाकू लेकर नहीं जा सकते, आपको इसे बाहर छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, मैं इसको बाहर नहीं छोड़ सकता, ये मेरा दुकान के गल्ले की चाबी है। सॉरी सर, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। अरे जेठालाल, एक काम तो नहीं करते, इतना छोटा सा चाकू ही तो है, ये चाकू निकाल के चाबी ले लो, चाकू इनको दे दो, जब वापस लौटेंगे एग्जीबिशन से तब चाकू ले लेना। अरे वापस आकर चाकू का क्या काम है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, चाकू इनको दे दो, फिर ये जो चाहे करे चाकू का, रखे अपने पास या कचरे में फेंक। हाँ, फेंक दो, फेंक दो कचरे में। कचरे क्यों फेंकना चाकू को, बहुत उपयोग देखने की क्या जरूरत है, वो उपयुक्त तो चीज है। जेठालाल इसे अभी यहाँ पे जमा कर दो, बाद में जाते हुए लेके जाना, मैं आठवन करूँ दे। अरे मला नको, तुमको चाहिए तो वापस जाते वक्त तुम ले लेना भाई, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पास तो है। हाँ तो लाइए, आप भी निकालिए। क्या? अरे चाकू तो घर पे है। मेरे पास नहीं है, एक मिनट, मेरे पास नहीं है भाई, नाइफ भी और वाइफ भी। अरे भाई इतर भी वाइफ, सॉरी सॉरी भाई, मेरा मतलब है जाते वक्त मैं रख लूंगा ये चाकू, इसे आप प्यार से मेरे छाते के पास रख दीजिए। हाँ बस होइला, ओ चाकू निकाल दो, चाबी मेरे को दे दो। अरे जल्दी चलिए, एक दो दिन बंद होने का टाइम हो जाएगा। आप सबकी चेकिंग बाकी है, सब लोग बारी बारी आइए प्लीज। मेरा मेरा तो हो गया ना। हाँ आपकी हो गई। हाँ मैं जा सकता हूँ। हाँ तू आज फोन, मेरा फोन दे। हाँ फोन दे। हाँ चल, मेरी चाबी दे दी। चाबी मैंने ना सकता। चल चलिए रे बाबू, चलिए चलिए, एक के बाद एक आइए, चलिए रे बाबू। हाँ आप इधर आइए। हाँ आदिकाल से ही महिलाओं की कमजोरी रहे, कहते हैं एक हीरा ही काफी है दिल लुभाने के लिए, और यहाँ तो चारों तरफ हीरे ही हीरे, डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। और गोकुलधाम की महिलाओं ने ये डायमंड्स देख लिए और उनकी आंखों में चमक है। अब देखना ये है कि ये डायमंड्स देखने के बाद गोकुलधाम के पुरुषों का यानी कि हमारा क्या हाल होता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे जितनी चमक है इन हीरो में, उससे कहीं ज्यादा हंसी उठा के होंगे आपके घरों में जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ एक विशेष बात, एक गौरवपूर्ण जानकारी, पिछले दिनों सोनी से सी योशी एन पी सिंह के साथ भारत में जापान के राजदूत और जापानी दूतावास के अन्य कर्मचारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट्स पर आए, और हमारे निर्माता श्री असित कुमार मोदी ने उन्हें सेट दिखाया। न केवल उन्होंने सेट देखा बल्कि हम कलाकारों के साथ गरबा भी किया। हमारे लिए बड़े गौरव और खुशी की बात है कि देश विदेश से, सात समंदर पार से लोग आपकी गोकुलधाम सोसाइटी को देखने आते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे, यही प्रार्थना है। और यहाँ अभी तो महिलाओं ने सिर्फ डायमंड्स देखे, अभी 10 करोड़ की साड़ी देखना बाकी है। तो आप भी देखिए क्या कमाल करती है हीरे और 10 करोड़ की साड़ी, देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आइए 10 करोड़ की साड़ी देखिए और इस डायमंड एग्जीबिशन का मजा लीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.